सुंदर बताना इस वाली पर मैं हम तीनों में कौन ज्यादा सुंदर बताना इस वाली पर मैं हम तीनों में कौन ज्यादा सुंदर बताना इस वाली पर मैं मोदी जी, प्लीज हमारे यूक्रेन को बचा लो। यूक्रेन ध्वस्त हो रहा है, पब्लिक मर रहे हैं, निर्दोष लोग की जाने जा रही है। ऐसा मत करना, आप कुछ करो, कुछ करो, बचाओ हमको, युद्ध को रोको, शांति लाओ। यूक्रेन के ऊपर बनाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी की ग्लोबलाइजेशन की दौड़ में, एक धरती एक राष्ट्र के जमाने में, कोई राष्ट्रीयता को लेकर मरता है या मारता है तो वो बंदा बिल्कुल कमीना कहलाएगा, निंदनीय कहलाएगा। इसलिए मैं पुतिन अंकल को गलत मानता हूँ और मोदी अंकल भी उनको सपोर्ट न करते हुए चुप रहे, चुप्पी साधे तो बेहतर होगा। जेलेंस्की भाई को, भाई की हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। और मैं इसलिए पहले वीडियो यूक्रेन के ऊपर बनाना चाहता हूँ क्योंकि एक 45 वर्ष के बंदा, जो उम्र में बच्चा है, उसने जो हिम्मत दिखाई, आज विश्व के चुनिंदा नेताओं में उभरते हुए सितारों के रूप में जेलेंस्की दिख रहे हैं। ठीक विपरीत मोदी और पुतिन की साख गिरते हुए नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करना। में आज हम रेलवे को ही पैसे दे रहे हैं, हमें काम मत आओ ना, बस सिर्फ डाक ना, यूक्रेन और रूस विवाद, यूक्रेन और रूस विवाद हमारे सिवाय और कोई नहीं मिला सकता, क्योंकि मिलाने में और तुड़वाने में किसी के हाथ होती है तो हमारी बराबरी के साझेदारी होती है, समझ गए ना बात, क्योंकि रस विश्व का बेलन है तो हम विश्व के गुरु हैं, लेकिन हम चलाक सी के नहीं हैं, क्योंकि हम किसी के सुनते नहीं हैं, हम भी थोड़ा थोड़ा पुडिंग की तरह सर फेरा है, बस घूम गए तो खिसक गए, ये हाल है भाई हमारा। फिर मैं तो हम बोलते हो तो हम विश्व गुरु के भूमिका अदा करने में आगे आ सकते हैं। पट लगा दियो, मैं भी तुम लोग को हर साने के पाते बंद लगाता हूँ। युद्ध भी जारी रहेगा, वार्ता भी जारी रहेगा, बम फूटते ही रहेंगे, मिसाइल गरजते रहेंगे, वाटर सप्लाई काट दी जाएगी, भूख के और प्यास के मारे मरोगे तुम लोग रात के अंधेरे में, और ज्यादा बम फोड़ेंगे। सरेंडर कराओ नहीं तो सरेंडर में बैठे रहो। देखो बच्चे बस छोड़ रहे, रो रहे हैं, बलक बलक के रो रहे हैं, हट हो गया हमारे फाइटर जेट में सेना का झंडा फ्लैग लगा दो और ठोक दो साल रस्सिया को, दो साल छन और रस्सा लड़ते रहेंगे और हम दूर बैठ कर तमाशा देखेंगे। ये हमारा एक्सक्लूसिव आइडिया होगा, ये हमारा
एक्सक्लूसिव ऐड होगा जो स्टैंड ट्रंप हमको मारवा देगा। कुछ समय के लिए हमें अपने जनरलों का ख्याल रखना होगा। पुतिन के खिसक गई तो फिर रणनीति आनी है। अब मैं जुड़े सीखूंगा नहीं तो पुतिन सारी हैकड़ी निकाल देगा। और बहनों मैंने पहले ही कहा था भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। देखा आज सारे विश्व के नेता जुड़ो सीख रहे हैं और हम अंपायर में खड़े हैं तो नहीं बना विश्व गुरु। बुद्धि सोच लो।